नमस्कार दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में हम प्राकृतिक संपदा के बारे में सीखेंगे। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे प्राकृतिक संपदाएं, पृथ्वी की संपदाएं, वायु, जल और मृदा। प्राकृतिक संपदाएं क्या है? प्राकृतिक संपदाएं प्राकृतिक रूप से पर्यावरण में पाए जाते हैं, जैसे जल, वायु, मृदा आदि। प्राकृतिक संपदा को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। नवीकरणीय संपदा, संपदाएं जो कभी भी समाप्त नहीं होती और जीवन काल तक विकसित होते रहते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु, जल, पौधे आदि नवीकरणीय संपदाएं हैं। अनवीकरणीय संपदा, संपदाएं जिन्हें हम जीवन काल में उपयोग में लाते हैं और वे अनवीकरणीय संपदाएं होती हैं, जैसे तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला आदि। पृथ्वी पर संपदाएं, पृथ्वी में जीवन को बनाए रखने के लिए संपदाएं हैं, जैसे स्थल मंडल, पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को स्थल मंडल कहते हैं, जैसे मृदा, रेत, चट्टानें, पत्थर आदि। जलमंडल, पृथ्वी के जल से घिरे भाग को जलमंडल कहते हैं, इसमें समुद्र, नदी, तालाब आदि सम्मिलित हैं। पृथ्वी का 75% भाग जल से घिरा है। वायुमंडल, वायु अथवा गैस जो पूरी पृथ्वी को कंबल के समान ढके रहती है, वायुमंडल कहलाता है। यह पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करने वाली गैसों से बने होते हैं। जीवमंडल, जीवन को आश्रय देने वाला पृथ्वी का वह घेरा जहाँ स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन को सफल बनाते हैं, उसे जीवमंडल कहते हैं। जीवमंडल का आरेख, ये आरेख दिखा रहा है कि कैसे वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल मिलकर जीवमंडल बनाते हैं। जीवमंडल पृथ्वी के चारों ओर वायु, जल, मृदा तथा शैल युक्त एक जीवनदायी परत होती है, जिसके अंतर्गत पादपों एवं जंतुओं का जीवन संभव होता है। सामान्यतः जीवमंडल में पृथ्वी के हर उस अंग का समावेश है जहाँ जीवन पनपता है। जीवमंडल के घटक, जीवमंडल में दो प्रमुख घटक हैं, जैविक और अजैविक। पृथ्वी पर सभी सजीव प्राणी जैविक घटक के रूप हैं, जबकि सभी निर्जीव जैसे मृदा, जल, वायु आदि जीवमंडल के अजैविक घटक हैं। ये आकृति जीवमंडल के जैविक और अजैविक घटकों के बीच संबंध को दर्शाता है। अब हम पृथ्वी पर अजैविक घटकों के बारे में चर्चा करेंगे। वायु, वायु सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है। वायु सभी गैसों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का मिश्रण है। ये गैसें पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। आकृति वायु के संगठन को दिखा रहा है। वायुमंडल और जलवायु, वायु, गैस, धूल, जल वाष्प आदि मिलकर वायुमंडल बनाते हैं। वायुमंडल वायु की एक परत है जो पृथ्वी को घेरे रखती है। वायुमंडल दिन के दौरान अचानक तापमान को बढ़ने से रोकता है और रात के समय ऊष्मा की बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को कम करता है, इसलिए पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखता है। वायु की गति, तापमान या दाब के कारण वायु में गति होती है। वायु उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है। जलीय भाग और स्थलीय भाग से होने वाले विकिरण के परिवर्तन तथा पुनर्विकिरण के कारण वायुमंडल गर्म होता है। जब वायु स्थल और जल के विकिरण के कारण गर्म होती है, तब ये ऊपर की ओर प्रवाह करती है। आकृति में हम देख सकते हैं कि तटीय क्षेत्र में दिन के समय भूमि के ऊपर की वायु तेजी से गर्म होकर ऊपर उठना शुरू करती है। जैसे ही वायु ऊपर की ओर उठती है, वहाँ कम दाब का क्षेत्र बन जाता है और समुद्र के ऊपर की वायु कम दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो जाती है
और रात के समय भूमि और समुद्र दोनों ठंडे होने लगते हैं और भूमि की अपेक्षा जल धीरे धीरे ठंडा होता है और ये विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है। वर्षा। वर्षा एक प्रकार का संघनन है। पृथ्वी की सतह से पानी वाष्पित होकर ऊपर उठता है और ठंडा होकर पानी की बूंदों के रूप में पुनः पृथ्वी पर गिरता है। इसे वर्षा कहते हैं। किसी भी स्थान पर किसी निश्चित समय में बरसे हुए जल कणों तथा हिम कणों से प्राप्त जल की मात्रा को वहां की वर्षा का माप कहते हैं। वर्षा जल चक्र का एक भाग है। वर्षा के स्वरूप को वायु के स्वरूप द्वारा नियंत्रित किया जाता है। गर्मी के कारण उत्पन्न जल वाष्प ऊपर आकाश में जाकर फैलता है एवं ठंडा हो जाता है। अतः जैसे जैसे वायु ऊपर उठती है, उसमें जल वाष्प धारण करने की क्षमता कम होती है। यहाँ तक कि अधिक ऊपर उठने से वायु का ताप उस अंक तक पहुँच जाता है जहाँ वायु जल वाष्प धारण कर सकती है। इससे भी कम ताप हो जाने पर जल वाष्प जल कणों में परिवर्तित हो जाता है। इसी से बादलों का निर्माण होता है। फिर बादल जल के कारण भूमि पर बरसते हैं। भारत में वर्षा दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्व मानसून हवाओं के कारण होती है। मानसून हवाओं के कारण होती है। वर्षा का जल कई गतिविधियों के लिए उपयुक्त है, जैसे पन बिजली, सिंचाई, मछली पकड़ना आदि। जल प्राकृतिक घटक पृथ्वी पर पाए जाते हैं जो कि जीवन के सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, जैसे पानी। जल की तरल अवस्था में अस्तित्व और कुछ सीमा तक पृथ्वी पर इसका ठोस और गैसीय अवस्था में पाया जाना पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व में महत्वपूर्ण है। ग्रह की सतह पर इसके ऊपर और इसके नीचे पाया जाने वाला जल सामूहिक रूप से जलमंडल कहलाता है। जल पोषक तत्वों और अंकुरण के चयापचय, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं के लिए आवश्यक है। एक जल चक्र का महत्वपूर्ण घटक है। जल चक्र का अर्थ है मृदा जल, सतही जल, भूजल, पौधे और वायुमंडल के बीच जल मंडल के भीतर जल का निरंतर आदान प्रदान करना। पृथ्वी का 75% भाग जल से घिरा है। जल प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके जल के अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देती हैं। आजकल बढ़ते उद्योगों और आबादी से जल प्रदूषित हो रहा है। मृदा। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत मृदा है। मृदा विभिन्न खनिजों का मिश्रण है जो कि जीवों के लिए विभिन्न पोषक तत्व प्रदान करता है। सूर्य, जल, हवा और जीवों की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप से मृदा बनती है। मृदा में विभिन्न प्रकार के कण होते हैं। इनमें जो औसतन न्यून मात्रा के कण हैं, वे ही मृदा को उर्वरा बनाने के लिए आवश्यक हैं। इनके कारण मृदा की मृदुकण रचना की उत्पत्ति होती है। इस रचना द्वारा मृदा के जल अवशोषण की क्रिया बढ़ जाती है तथा पौधों के लिए अन्य विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ भी अवशोषित होते हैं। मिट्टी की संरचना। हजारों और लाखों वर्षों से लंबे समयांतराल में पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले पत्थर विभिन्न प्रकार के भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रमों के द्वारा टूट जाते हैं। टूटने की प्रक्रिया के बाद अंत में बचा महीन कण मृदा है। मृदा में खनिज की प्रचुरता। पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को उसकी पपड़ी कहते हैं, जो सजीव प्राणियों में पोषक तत्वों का प्रदान करती है। खनिज जो विशिष्ट मृदा में पाई जाती हैं, जो चट्टानों पर निर्भर करती है। मृदा कई कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना होता है।
मृत और सड़े गले कार्बनिक पदार्थ को ह्यूमस कहते हैं, जो कि मृदा की संरचना पर निर्भर करता है। मृदा की ऊपरी परत में, जिसमें मृदा के कणों के अतिरिक्त ह्यूमस और सजीव स्थित होते हैं, मृदा बनाने में निम्न कारक सहायता करते हैं। सूर्य। सूर्य की गर्मी से पत्थर का प्रत्येक भाग असमान रूप से प्रसारित तथा संकुचित होता है। ऐसा बार बार होने पर पत्थर में दरार आ जाती है और वह टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। जल। तेज गति से बहता हुआ जल प्रायः अपने साथ बड़े और छोटे पत्थरों को बहाकर ले जाता है और ये पत्थर आपस में टकरा कर छोटे कणों में बदल जाते हैं। वायु। तेज हवाएं जल की ही तरह पत्थरों को तोड़ देती हैं और वह वायु बालू को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। जीव। जीव भी मृदा के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। पेड़ों की जड़ें कभी कभी पत्थरों की दरारों में चली जाती हैं और वे दरार को चौड़ा कर देती हैं, जिससे पत्थर टूट जाते हैं। मृदा अपरदन और उनके स्रोत। अधिकतम खनिज युक्त मृदा को हटाने को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा क्षरण पानी और तेज हवाओं द्वारा प्राकृतिक रूप से होता है। मानव गतिविधियों जैसे वनों की कटाई, चराई और अतिरिक्त कृषि भी मिट्टी के अपरदन का कारण बनते हैं। मृदा अपरदन का निवारण। मृदा अपरदन का निवारण निम्न के द्वारा किया जा सकता है: वन रोपण, चराई में नियंत्रण, बंजर भूमि पर वनस्पति लगाना आदि। खुद को परखें। यहाँ आपके लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, कृपया विषय वस्तु को पुनः पढ़ें और स्वयं हल करें। ये प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए ईमेल एड्रेस पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।